ज़्यादा गर्म पानी से मुंह धोने से चेहरे की जिल्द बूढ़ी हो जाती है। जब भी धोया करो नीम गर्म पानी से धोया करो। दानों पर बर्फ़ का टुकड़ा मसल दो, दाने फौरन मिट जाएंगे। कद्दू का सालन ज़्यादा खाया करो, इससे चेहरे की रंगत निखरती है। आधी रात को अदरक खाने से फालिज नहीं होता। रात को अमरूद काट कर रख दो, मच्छर नहीं आएंगे। सोते वक्त लहसुन खाकर सो जाओ, मीठी नींद आएगी। रात को बादाम का तेल नाफ में डालने से पेट अंदर चला जाएगा। रात को छाती पर जैतून का तेल लगा सो जाया करो, कभी भी ख्वाब में डरोगे नहीं। बालों में सूरजमुखी का तेल लगाकर सोया करो, बाल सारी ज़िंदगी रूखे और खुश्क नहीं होंगे। बदन पर नीम के पत्तों का रस लगाने से बदन की जिल्द हटकेगी नहीं, जवानी बरकरार रहेगी। पेट में गैस ज़्यादा हो रही हो तो फौरन चॉकलेट खा लो, पेट की गैस ठीक हो जाएगी। आँखों में पानी आता हो तो सूरज को तलू होते हुए देखा करो। आँखों से पानी नहीं निकलेगा, खाली पेट नहाओगे तो तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा 80 साल में भी हावी नहीं हो सकेगा। खाना खाकर नहाने से बहुत जल्द बूढ़े हो जाओगे। रोज़ जैतून के तेल से पेट की मालिश किया करो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमज़ोर नहीं कर सकती। नाक बहने से ना रुक रहा हो तो फौरन सफ़ेदे के पत्ते को उबाल कर इसकी भाप लेने से नाक बहना बंद हो जाएगी। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो केले खाएं। पिसे हुए बादाम दही में मिलाकर लेप बना लें और झुर्रियों पर लगाएं। सिर्फ 1 हफ्ता इस्तेमाल से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपके चेहरे पर जलने का निशान है तो माल्टे का रस लगाते रहें, जला हुआ निशान ख़त्म हो जाएगा। मुबाशरत के फौरन बाद पेशाब करना चाहिए, इससे पथरी पैदा नहीं होती। खाना खाते वक्त पहले नवाले पर थोड़ा सा नमक छिड़क लेने से मुंह पर कील, दाने और छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ और छाइयाँ पड़ जाती हैं। समुद्री नमक चाटने से वज़न में कमी आती है। रोज़ 3 खीरे खाने से ज़िंदगी में कभी लकवा नहीं होता। काला ज़ीरा दूध के साथ खाने से ज़ख़म भर जाता है। दिए में नारियल का तेल डालने से दिया बुझता नहीं। फटकड़ी को आँखों पर फेरने से नज़र कम नहीं होती। उल्टा सोने से दिल कमज़ोर होने का खदशा होता है। दाईं तरफ लेटकर सोने से कभी कमर का दर्द नहीं होता। कीकर की लकड़ी को जलाकर आग का धुआं लेने से सांस की तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर बैठने से चेहरे की जिल्द सख्त हो जाती है। एक बार कपड़े पहनकर इसे नमकीन पानी से धोकर दोबारा पहनने से बदन पर कभी खारिश नहीं होती। अगर आप ख्वाब में ज़्यादा डरते हैं तो सोने से कबल 1 टमाटर खा लिया करें। अगर आपको सीने में दर्द होता हो तो खुश्क मेवा खाकर ऊपर से माल्टा खा लो। नहाने से पहले 1 नींबू नहाने वाले पानी में निचोड़ दें, आपको महंगे परफ्यूम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। रात को मुंह में पानी आने की शिकायत हो तो अमरूद के मसलसल इस्तेमाल से ठीक हो जाती है। एक बेहतरीन मिसाल है कि तन्हा रहना गलत शख्स के साथ रहने से बेहतर है। वो खाने की कोशिश करें जिससे आपको बचपन में नफ़रत थी। आपका जायका हर साल बाद बदलता है और ज़्यादातर खाने से लुत्फ़ अंदोज़ होने का बहुत इम्कान है जो आपको नापसंद था। जो लोग हफ्ते में 6 से 7 बार मसालेदार खाना खाते हैं वो उन लोगों के मुकाबले में ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं जो इसे हफ्ते में 1 बार से कम खाते हैं। क्या आप जानते हैं सफ़र करने से हार्ट अटैक और डिप्रेशन का खतरा कम और दिमागी सेहत अच्छी होती है।
लकड़ी का कंघा इस्तेमाल करने से बाल मजबूत होते हैं, बालों में चमक आती है। हाथी 3 मील के फासले से भी पानी की बू सूंघने की सलाहियत रखता है। एक चमगादड़ सिर्फ 1 घंटे के मुख्तसर वक्फे में 1,000 कीड़े खा सकते हैं। किंग कोबरा का 1 ग्राम जहर 150 इंसानों को ब्लॉक करने के लिए काफ़ी हो सकता है। पेट की चर्बी ख़त्म करने के लिए 6 चीज़ें खाएं: रोटी के साथ प्याज का इस्तेमाल, पानी में 2 अदद सब्ज़ नींबू डालकर पिए, दिन में सिर्फ 2 टाइम रोटी खाएं, रात को जब सोएं तो पेट पर बेल्ट बांधकर सोएं, रात को सोने से पहले 1 नीम गर्म पानी का गिलास ज़रूर पिए, सुबह उठते ही 1 नीम गर्म पानी के 4 गिलास पिए। अगर आप खांसी से निजात चाहते हैं तो दूध में हल्दी डालकर पी लो। अगर काम की ज़्यादती की वजह से थकन बहुत ज़्यादा हो और जिस्म टूट रहा हो तो सरसों के तेल से 7 मिनट दोनों पाँव का खूब मसाज करें। हरी मिर्च बदन में खून को जमने नहीं देती और सांस की तकलीफ़ दूर करने में मुआवन साबित होती है। शुगर के मरीज़ खीरा ज़रूर खाएं, ये शुगर के मरीज़ों का अनमोल तोहफा है। बेसन के पकोड़े से सारे दिन की बदन में जो टूट फूट होती है मरम्मत हो जाती है। जो लोग मछली खाते हैं दिल की बीमारी में मुबतला होने से बचे रहते हैं। गाजर मसाने की खराबी का इलाज करती है। अगर आपका पेट मुसलसल मोटापे की तरफ बढ़ रहा है तो सफ़ेद चावल, चीनी और मैदे से बनी अशिया से परहेज़ करें। अगर बंदा पैदल चलने से पहले 1/2 गिलास नीम गर्म पानी पी ले तो ज़िंदगी में कभी कमज़ोर नहीं होगा। जिस घर में चमेली का पौधा हो वहाँ कभी भी बिच्छू और कीड़े मकोड़े नहीं आते। जब प्यास ना हो और उस वक़्त पानी पी लो तो गुर्दे कभी ख़राब नहीं होते। ज़्यादा देर भूखा रहना दिमाग को तेज़ करता है और ताकतवर बनाता है। गर्म पानी पीने से गले में खराश नहीं होती। शाम को थोड़ी देर सोने से अकल बढ़ती है। बंद गोभी खाने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। जवानी का फार्मूला: रोज़ सुबह सवेरे 1/2 गर्म पानी का इस्तेमाल, खाने में सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल, बड़ा गोश्त खाना छोड़ दें, अंडे की जर्दी छोड़कर सफ़ेदी को खाएं, रोज़ 1 अदरक कच्ची खाने का मामूल बनाएं, कच्चा लहसुन रोज़ 1/2 गर्म पानी के साथ खाएं, रोज़ 10 गिलास पानी के पिएं। खाने के फौरन बाद थोड़ी सी शहद ज़रूर खाएं। हाथों का मसाज करने से खून की रवानी अच्छी होती है और ये डिप्रेशन को और परेशानी को भी दूर करती है। ख्वाब में काले रंग का लिबास नज़र आए तो रिजक तंग हो जाता है। जामुन खा के ऊपर से नमकीन पानी पीने से दिल को सुकून मिल जाता है। नीम के पानी में पाँव भिगोने से पाँव सुन नहीं होते। नाखून काट कर घर में ना फेंको वरना रिजक की कमी हो जाएगी। सेब के पत्ते पीसकर माथे पर लगाने से दिमाग में ताकत आती है। माल्टे का पानी सर में लगाने से बाल घने हो जाते हैं। शितरमुर्ग के अंडे को उबालकर खाएं, कभी कमज़ोरी नहीं होगी। दुनिया की तकलीफ में 5 चीज़ें बहुत सख्त हैं। 1, परदेश में बीमारी। 2, जवानी की मौत। 3, वसल के बाद जुदाई। 4, बुढ़ापे में मुफलसी। 5, बिनाई के बाद आँखों की रोशनी।